हेलो फ्रेंड्स, सो एनी गाइस, आप सभी का मेरे वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। और भाई मैंने पूरा जान रहा हूँ मेरा रिव्यू बैंकी के रिलेटेड बहुत लेट हो रहा है, मैं क्या करूँ मैं यार, सभी को मतलब टाइम नहीं है। बहुत से मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाल के आप सभी को अपलोड कर दिया था कि भाई बैंकी इस टाइम में आने वाली है, इवन आप लोग नहीं देखे तो जाके वो शॉर्ट्स देख सकते हो। वही रही अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो बैंकी मूवी, भाई साहब क्या टीजर आया हुआ है इसमें। आपको एक्शन मसाला मास मूवी जवान और पठान कितने देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन भाई मेरे राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान का ऐसा स्पिन में कोलैबोरेशन हुआ है जो कि भाई लगभग सभी का इंतजार था। राजकुमार ईरानी और SRK की कोलैबोरेशन के मतलब वो भी यार क्या यार, थोड़ा तो समझ लो आपको, है ना। तो वेरी गाइस, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। वेरी गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है तौसिफ। और भाई मेरे आप सभी को एक बात से टेंशन हो रहा होगा कि भाई इसके चैनल पे इतना सब्सक्राइबर और वो नहीं आ रहा। तो वेरी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ मेरा चैनल रिसेंटली क्या 9 साल तक भाई बहुत ज़्यादा हैक रहा, प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम आया, तभी एडिटिंग चलता था, एडिटिंग में करके डालता था। अभी भाई रिव्यू चल रहा है तो मैंने अपना जॉनर बदल दिया है और अभी मैं रेगुलर इस चैनल पे रिव्यू ही करूँगा। तो वेरी गाइस, आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। वेरी गाइस, मैं बात करूँ इस मूवी में क्या क्या स्पेशल होने वाला है। वही तुम जब इस फिल्म का टीजर जब स्टार्ट होता है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई 58 सेकेंड का आने वाला, क्योंकि यार SRK 58 के हो गए। तो वेरी गाइस, सभी की मूवी पे तमाचा मार के हैं राजकुमार के रानी साहब ने 1 मिनट 40 सेकेंड का टीजर लगाया, वो कि भाई बहुत ही लाजवाब है और यही चाहिए था, है ना। एक साल में भाई मैं मान रहा हूँ कि भाई ये कलेक्शन, इस मूवी का कलेक्शन जो भी होगी वो अगले साल काउंट किया जाएगा, लेकिन यार ये कलेक्शन रहा इसी साल वजह आ जाएगा देख के फिल्म, क्योंकि यार सनाट और भाई डंकी और साथ ही में एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम भी रिलीज होने वाला है, तो देखना ये होती है भाई कौन सा मूवी बेहतर परफॉर्म करती है। वेल मैं तो अभी तक राजकुमार ईरानी साहब का जितना भी मूवीज को देखा हो उसको कम से कम मैं 5-6 बार रिपीट करके जरूर देख लिया हूँ। वेल आप लोग तो नहीं जानते तो संगी जैसा मूवी भी इतना ब्लॉकबस्टर पीछे तो कौन नहीं जानता भाई, सभी कोई जानता है। और मुन्ना भाई MBBS भाई उसके 3 ईयर मतलब सीरीज तुम देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। वेल देखना ये होगा डंकी कितना बेहतर कहानी परफॉर्म करती है, कहानी की बदलत माओ वर्क की बदलत कौन सा कैटेगरी में ज़्यादा परफॉर्म करती है। इससे आप लोग एक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बाकी ये फैमिली इंटरटेनर वो भी है 100%, आप लोग को मज़ा 100% देगी। वेन इस वीडियो में इतना ही, वो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।